नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सूरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमाम तरह के विवादों से घिरते हुए खत्म हो गई। राहुल गांधी ने इस यात्रा को खत्म करने के लिए एक दिन पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस दौरान भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। पूरे इलाकों को दो बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया था, जिसे लेकर अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला है। बता दें, कश्मीर में राहुल के झंडा वंदन पर उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि अब तो राहुल गांधी को मोदी जी और अमित शाह को सैल्यूट करके ही वापस लौटना चाहिए था। अकेले राहुल गांधी क्या, अब तो पूरे जम्मू कश्मीर में वहां के नागरिक 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं। 370 हट चुकी है। राहुल गांधी के दादा नेहरू जी की गलतियों का हम साहस से निराकरण कर चुके हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि लाल चौक पर किसी विपक्षी नेता ने तिरंगा फहराया हो। इससे पहले बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने भी 1992 में 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तब मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी। इस दौरान नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव थे, लेकिन उस दौरान लाल चौक पर तिरंगा फहराना और आज तिरंगा फहराना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले लाल चौक पर हर समय आतंक और खौफ का पहरा था और आज लोगों का कहना है कि लाल चौक की तस्वीर कुछ और ही है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।